बहुत ही भयानक और काला बिच्छू था वो, और उसका आकार भी किसी बड़े जानवर की तरह था। उसकी आंखें तो ऐसी लग रही थी जैसे कि उनमें अंगारे भरे हो। वो भयंकर काला बिच्छू अपनी पूरी गति के साथ दिलीप और उसकी पत्नी सीमा के पीछे पड़ा था, और वो दोनों उस विशालकाय बिच्छू को देखकर अपनी जान हथेली पर लेकर भागे जा रहे थे। अरे सीमा, अपने पैर तेज चला, नहीं तो ये बिच्छू हमें नहीं छोड़ेगा। अब नहीं भागा जा रहा जी, मेरा तो दम फूल रहा है। पता नहीं ये इतना भयंकर बिच्छू कहाँ से आ गया। सीमा, कहाँ से आया नहीं आया वो बाद में पता लगाएंगे, पहले इसके चंगुल से तो बचे। तुमने देखा ना, इसने कितनी बुरी तरह से अम्मा, बाबूजी और कनिका को अपने ढंग से मार डाला। अब हमारी बारी है। लेकिन ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हमने क्या बिगाड़ा है इसका? सीमा के ऐसा कहते ही उस बिच्छू का सिर एक स्त्री के सिर में बदलने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगी। दिलीप और सीमा ने जब एक औरत के हंसने की आवाज सुनी तो वे चौंक गए। उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सीमा उस बिच्छू के सिर को देखते हुए कहती है, दिलीप, रूपा, ये तो रूपा है। रूपा, ये जिंदा है? उनकी बातों को सुनकर बिच्छू बनी रूपा फिर से जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, जब तक तुम राक्षसों को मार ना दूं, तब तक मैं मर नहीं सकती, नहीं मर सकती। रूपा और कोई नहीं, दिलीप की पत्नी थी। रूपा बहुत ही गरीब घर से थी। किसी तरह कुछ पैसे जोड़कर रूपा के पिता ने उसकी शादी दिलीप से की थी, लेकिन दिलीप का परिवार पैसों का लालची तो था ही, बहुत क्रूर भी था। दिलीप की माँ लीला देवी, उसके पिता देवी प्रसाद और उसकी बहन कनिका का शरीर तो इंसानों का था, लेकिन वे सभी राक्षस थे, राक्षस। क्यों रे दिलीप, इस मुफ्त खोर को कब तक पालने का इरादा है तेरा? अब तो इसका बाप भी मर गया, वो था तो कुछ ना कुछ मिल जाते थे, अब क्या करना है? करना क्या है बाबूजी, इसको लात मारकर घर से निकाल देना है। अरे वो तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? अरे आप ही बताइए बाबूजी, क्या करना है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। देख दिलीप, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन बता रही थी कि रूपा गर्भवती भी है। तो क्या हुआ बाबूजी, मुझे इससे और इसके बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने तो अपने लिए एक नई लड़की भी देख ली है और उससे चुपके से शादी भी कर ली है। वाह बेटे, हम तो अभी उस चुड़ैल को निकालने का सोच ही रहे हैं, और तुमने तो आगे की प्लानिंग भी कर ली है। देवी प्रसाद और उसका पूरा परिवार रूपा को घर से निकालने की पूरी कोशिश करता है। उसके ऊपर जितने भी अत्याचार हो सकते थे वो सभी किए जाते थे। मार पिटाई तो बहुत आम बात थी। एक बार तो पूरे 10 दिन तक खाने का एक दाना भी नहीं दिया गया। लेकिन रूपा फिर भी एक ही बात करती रही कि एक लड़की का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि जिस घर में उसकी डोली आई है उसी घर से उसकी अर्थी भी निकले। गर्भवती रूपा बेचारी भूखी प्यासी रही, लेकिन उस घर को छोड़ने का नाम उसने नहीं लिया। इस बात से उसके ससुराल वाले सभी लोग बहुत चिढ़ गए, और एक रात, भैया वो चुड़ैल चाहती है कि उसकी अर्थी इस घर से निकले, तो क्यों ना उसका ऊपर का टिकट कटा दिया जाए। इतना आसान है क्या ऊपर का टिकट कटवाना? अगर उसे हमने मार दिया और पुलिस को पता लग गया ना, तो फिर सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे भैया आप भी ना अपनी बहन को क्या दिमाग से पैदल समझते हैं? मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि उस आइडिया के डंक से उस चुड़ैल की मौत भी हो जाएगी और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। उसके बाद दिलीप की बहन कनिका अपने पूरे परिवार को लेकर उन्हें विक्रम के पास ले गई। विक्रम कनिका का दोस्त था। विक्रम बिच्छुओं को पकड़ने का काम करता था और वो बिच्छुओं पर रिसर्च भी कर रहा था। विक्रम की प्रयोगशाला में एक से एक बिच्छू थे। जब वे सभी विक्रम की प्रयोगशाला में पहुंचे और वहां रखे शीशे के बर्तनों में अलग अलग बिच्छुओं को देखा तो सभी चौंक गए। क्या कहा, ये बिच्छू सिर्फ फूंक मार दे तो इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है? हाँ कनिका, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो इस बर्तन में, देखो इस बिच्छू को। उसके बाद विक्रम ने एक बड़े से बर्तन में रखे नीले रंग के बिच्छू को दिखाया। उन लोगों ने उस रंग का बिच्छू कभी नहीं देखा था। तुम्हें पता है कनिका, ये कोई साधारण बिच्छू नहीं है, ये इतना खतरनाक है कि ये इंसान को मारकर उसे रेत में बदल देता है। रेत में? हाँ, ये बहुत ही रेयर किस्म का बिच्छू है। धरती पर यही कोई 100 बिच्छू इस तरह के होंगे, और उनमें से एक मेरे पास है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि इसे पा पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसे जब से मैं लेकर आया हूँ ये इसी तरह बंद रहता है। कभी कभी मैं इसे खाना खिलाता हूँ, लेकिन वो भी एक लोहे की पाइप के जरिए। अरे बाबा रे, इससे तो बचकर ही रहना होगा। उसके बाद विक्रम उन सभी को अपनी प्रयोगशाला में रखे और भी खतरनाक बिच्छुओं को दिखाता रहा। विक्रम, तुम्हारे पास तो सारे के सारे भयानक बिच्छू हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मेरे घर में इनसे भी भयानक एक चुड़ैल है,
जिसे हम कितने समय से अपने रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा अमृत पीकर वो जन्म ली है, मरती नहीं। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह आई हो कनिका। मेरे पास तो ऐसे बिच्छू हैं कि उनके डंक से तो वो भी मर जाए जिन्होंने सच में अमृत पिया हो। विक्रम ने कनिका को अपनी प्रयोगशाला से निकालकर एक जंगली बिच्छू को एक डिब्बे में रखकर उसे दिया और कहा कि बस इसे जाकर अपनी भाभी के बिस्तर पर रख देना। इसका डंक ऐसा है कि कुछ ही सेकंड में तुम्हारी भाभी इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाएगी। और हाँ, जैसे ये डंक मारे तुम लोग भी इसे तुरंत ही मार देना। वो क्यों? अरे लोगों को बताने के लिए कि बिच्छू के काटने से तुम्हारी भाभी की मौत हुई और तुम लोगों ने उस बिच्छू को देख लिया और उसे मार दिया। वाह विक्रम, क्या शैतानी दिमाग पाया है तुमने। हो तो तेरा ही दोस्त ना। उसके बाद कनिका अपने परिवार के साथ उस बिच्छू को लेकर घर लौट आई और विक्रम ने जैसा कहा था उसने वही किया। उसने उस बिच्छू को रूपा के बिस्तर पर डाल दिया। रूपा बेचारी इन सब बातों से अनजान जब अपने बिस्तर पर सोने आई तो उस बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। रूपा दर्द से कराह उठी। आह, कुछ ही पलों में गर्भवती रूपा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके मरते ही रूपा के ससुराल वालों ने उस बिच्छू को भी मार दिया और उन्होंने आस पड़ोस में ये अफवाह फैला दी कि रूपा को बिच्छू ने डंक मार दिया है। रूपा मर चुकी थी। उसके ससुराल वाले उसे ले जाकर नदी में फेंक आए, लेकिन वो कहते हैं ना, जब ईश्वर हो सहारा तो फिर कौन बिगाड़ेगा तुम्हारा। संयोग से उस नदी में एक पहुंचे हुए महात्मा स्नान कर रहे थे, तभी रूपा का शव उनसे जा लगा। गर्भवती रूपा को जब महात्मा ने देखा तो अरे कौन है ये। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तुरंत ही उन्हें सारी सच्चाई का पता लग गया। ओह, कितने दुष्ट हैं इसके ससुराल वाले, कितनी बेरहमी इन्होंने इसके साथ बरती है और कितनी बुरी योजना के तहत इसे मारा है। लेकिन जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इसके ससुराल वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। बिच्छू से कटवाया है ना इसे, अब ये खुद बिच्छू बनकर अपना बदला लेगी। उसके बाद उस महात्मा ने अपनी शक्तियों से रूपा के शरीर को एक बड़े से बिच्छू में बदल दिया और उसमें फूंक मारकर प्राणों का संचार कर दिया और कहा, जा बेटी जा, अपना बदला ले। रूपा महात्मा के आशीर्वाद से बिच्छू के रूप में अपना बदला लेने आई थी। हमें माफ कर दो रूपा, हमसे गलती हो गई। माफी? तुम लोग माफी के लायक नहीं। तुम लोग राक्षस हो राक्षस, और सदियों से राक्षसों का संहार होता आया है और आज तुम्हारा भी संहार होगा। उसके बाद रूपा का शरीर एक बार फिर से एक बड़े से बिच्छू में बदल गया और उसने अपने बड़े से डंक से दोनों पर हमला कर दिया। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें। रूपा ने दोनों को मार दिया और अपना बदला ले लिया। उसके बाद वो वहां से न जाने कहां गायब हो गई। बहुत ही दर्दनाक नजारा था वहां का। जो भी उसे देखता तो उसकी रूह कांप जाती, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था क्योंकि ये दर्दनाक घटना शहर से बहुत दूर एक घने जंगल के किनारे से गुजरने वाली एक रेल की पटरी के पास घट रही थी। रेल की पटरी के किनारे 12 छोटी छोटी बच्चियां एक बड़े से ट्रैक्टर में बेसुध पड़ी हुई थी। उनके मुंह और आंखों दोनों पर कपड़ा बंधा हुआ था। अनुज, मैंने सब पता कर लिया है। आधे घंटे में इस पटरी से होकर मालगाड़ी गुजरने वाली है। हमें आधे घंटे के अंदर अपना काम निपटाना है और इन चुड़ैलों से अपना पीछा छुड़ाना है। तुम फिक्र मत करो वैशाली, आधे घंटे के पहले ही सब कुछ निपट जाएगा। उसके बाद अनुज और वैशाली उन छोटी बच्चियों को पटरी पर रखने लगे। वैशाली, इन्हें होश तो नहीं आएगा ना? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी दवा पिलाई है इन्हें कि 24 घंटे के पहले ये हिल भी नहीं सकती। कुछ देर के बाद सारी की सारी बच्चियां ट्रेन की पटरी पर लेटी हुई थी। और कितनी देर वैशाली? बस 10 मिनट और, उसके बाद तो इन सभी के चीथड़े उड़ जाएंगे। उधर उसी पटरी पर एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से आ रही थी। अनुज, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो भारी मुसीबत हो जाएगी। पर मैं इनके चीथड़े अपनी आंखों के आगे उड़ते देखना चाहता हूँ। देखना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और गड़बड़ हो गई तो फिर पता है ना इसका अंजाम क्या होगा। जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी हमें। कौन थे ये लोग? ये 12 बच्चियां कौन थी और क्यों ये लोग इन मासूम बच्चियों को इतनी निर्दयता से मारना चाहते थे? इसे जानने के लिए कुछ समय पहले जाना होगा। एक रात की बात है, अनुज, उसकी बहन सोनाली और उसके माता पिता बैठे बातें कर रहे थे। सोनाली, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ भैया, पूरी तैयारी हो चुकी है। कल आपको और हमारे पूरे परिवार को विनीता भाभी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। देख,
कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? किसी को कोई शक तो नहीं होगा? अरे बेटा, तू क्यों खामखा टेंशन ले रहा है? कुछ नहीं होगा, प्लान फुल प्रूफ है। अनुज का पूरा परिवार बहुत ही बदमाश और एहसान फरोश किस्म का था। विनीता अनुज की पत्नी थी। अनुज के माता पिता समेत अनुज चाहता था कि उसे बेटा हो। इसी चक्कर में उसे एक एक कर 11 बेटियां हो गई, जबकि विनीता ने कितनी बार अनुज को मना किया कि अब वो और बच्चे नहीं करना चाहती। लेकिन अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगी आप बच्चे? अब कितने बच्चे करूं? पूरी 11 बेटियां हो चुकी हैं आप लोगों के बेटे के चक्कर में। देख, तू अपनी जबान कम चला और एक बात कान खोलकर सुन ले। जब तक तू इस घर में बेटे के रूप में एक वारिस नहीं देती, तब तक तुझे बच्चा पैदा करना होगा। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेटा। अब भगवान की मर्जी बेटी की है तो खुश रहिए ना। मैं तो खुश हूँ अपनी बेटियों के साथ। पर हम खुश नहीं है। एक के बाद एक बेटी जन के तूने ये तो बता दिया है कि तू एक नंबर की कुलक्षिणी है, क्योंकि तेरे भाग्य सही होते तो तू एक बेटा तो कम से कम जरूर जनती। विनीता के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। एक बार फिर से वो गर्भवती हुई और इस बार भी उसने लड़की को ही जन्म दिया। फिर से लड़की। एक बार फिर से उसको लक्ष्मी ने लड़की को जन्म दे दिया है। लेकिन अब बस, अब नहीं, अब उससे कोई उम्मीद नहीं रखना। मैं दूसरी शादी करूंगा और अब वही देगी इस खानदान को चिराग। उस दिन के बाद से अनुज और उसका परिवार विनीता को रास्ते से हटाने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगे। कभी उसे जानबूझकर उस कूलर को छूने के लिए कहा गया जिसमें करंट आ रहा था, तो कभी सीढ़ियों से उसे धक्का दे दिया गया, लेकिन हर बार वो बच गई तंग आकर। सुन बेटा, हम लोग जो तरीका अपना रहे हैं उसी में फेल हो रहे हैं, हमें कुछ और करना होगा। भैया मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम गैस की नोब खोल दे और जब गैस पूरी तरह किचन में भर जाए तब भाभी को कुछ बनाने के लिए किचन में भेज दे। जैसे ही वो समय गैस जलाएगी उनका ऊपर का टिकट कट जाएगा। सोनाली का आइडिया सबको पसंद आया। अगले दिन उन्होंने अपने प्लान के अनुसार गैस का नॉब खोला और फिर, भाभी वो मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी चाय बनाकर ला दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। सोनाली ने किचन में जैसे ही माचिस की तीली जलाई एक जोरदार धमाका हुआ और उसके चीथड़े उड़ गए। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ क्योंकि सभी को लगा कि गैस के सिलेंडर फटने से उसकी मौत हुई है और सभी ने उसे एक हादसा माना। एक महीने बाद अनुज वैशाली को ब्याह कर ले आया। वैशाली भी अनुज के परिवार के सदस्यों की तरह ही निर्दयी थी, या यूं कहें कि निर्दयता में वो उनसे एक कदम आगे थी। वे सभी मिलजुल कर अनुज की बेटियों पर बहुत जुल्म करते। उसकी सबसे छोटी बेटी तो अभी दुधमुही थी, उसे भी वे नहीं छोड़ते और कभी माचिस की तीली से उसे जलाते तो कभी सुई चुभोते। वो बेचारी जोर जोर से रोने लगती। ये सब भी अपनी माँ की तरह ही है, सारे दर्द सह लेंगी लेकिन मरेंगी नहीं। नहीं मरेंगी तो मार दी जाएंगी, बस दिमाग से काम लेना होगा हमें। उधर विनीता मरकर एक चिड़िया के रूप में दूसरा जन्म ले चुकी थी। वो अपने घर के आसपास ही चिड़िया के रूप में भटकती रहती और अपनी बच्चियों पर हो रहे जुल्म को देखती। हे भगवान, इतना असहाय क्यों बना दिया है मुझे? मैं क्यों नहीं कुछ कर पाती अपनी बच्चियों के लिए? हर दिन ये लोग मेरी बेटियों पर अत्याचार का तेजाब फेंकते हैं और मेरी बेटियां उसमें तड़प कर झुलसती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। विनीता की आत्मा हर दिन रोती, अपनी बच्चियों की तरह ही तड़पती लेकिन कुछ कर नहीं पाती। एक दिन की बात है, चिड़िया बनी विनीता अपने घर में मंडरा रही थी, तभी उसने अपने ससुराल वालों और वैशाली के मुंह से सुना कि अरे मेरा प्लान भी एकदम फुल प्रूफ है, किसी को कोई शक नहीं होगा, बस इन्हें बेहोश करना है और रेलवे ट्रैक पर ले जाकर लिटा देना है, उसके बाद तो सारा काम रेलगाड़ी कर देगी। पर किसी को शक तो नहीं होगा? अरे कोई शक नहीं होगा, हम पहले से ही पुलिस को बता देंगे कि वो लड़कियां घर से भाग गई हैं और जब पुलिस उन्हें बरामद करेगी तो वो जिंदा नहीं होगी, उनके चीथड़े उड़ गए होंगे, फिर कौन बताएगा सच्चाई। उन सभी के अंदर किसी राक्षस की आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। पहले तो उन्होंने विनीता को मारा और अब उनकी 12 बच्चियों को मारना चाहते थे। चिड़िया के रूप में विनीता को जब सच्चाई का पता लगा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो उसी समय शिव शंकर भगवान के मंदिर में गई और शिवलिंग के आगे रोते रोते उसने कहा, क्यों भगवान क्यों? क्यों अत्याचार को देखकर भी अपनी आंखें मूंदे रहते हो? क्यों? अरे क्यों नहीं दिखाते अपना तांडव? मेरी मासूम बच्चियों को मारने की योजना बन रही है और मुझे पता है वो सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि तू पत्थर बना बैठा है यहाँ पर। तू देव नहीं, पत्थर है पत्थर।
वो पत्थर जिस पर सिर्फ सिर मारा जा सकता है। लेकिन याद रख भगवान, मेरी बच्चियों को कुछ हो गया तो फिर तू भगवान कहलाने के लायक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और हाँ, मैं भी तेरे ऊपर अपना सिर पटक पटक कर आज मर जाऊंगी। उसके बाद चिड़िया बनी विनीता शिवलिंग पर अपना सिर पटकने लगी। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव शंकर भगवान और माँ पार्वती ने जब चिड़िया बनी विनीता को इस तरह रोते बिलखते देखा तो दोनों के दोनों उसी समय वहाँ प्रकट हुए और विनीता की आत्मा से कहा, ईश्वर कभी अन्याय को आंखें बंद कर नहीं देखते, वह अन्यायियों को दंड देते हैं और निर्दोष की मदद करते हैं। तू मत घबरा, तू माँ है, भले ही तू जीवित नहीं है लेकिन मां जीवित हो या मृत, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता, कोई नहीं। जा, मैं तुझे यह शक्ति देता हूं कि तू एक साधारण पक्षी से एक विशाल काय पक्षी बन जा और अपनी बेटियों को तो बचा ही, उन दुष्टों का संहार भी कर। बहरहाल अनुज और वैशाली वहां से निकल चुके थे और ट्रेन पूरी रफ्तार में पटरी पर उन बच्चियों को कुचलने के लिए आगे बढ़ी जा रही थी। तभी विशालकाय चिड़िया के रूप में परिवर्तित हुई विनीता ने अपनी बड़ी चोंच से घर के बाहर सूखने को रखी लाल साड़ी को उठाया और ट्रेन के आगे आगे उड़ने लगी। ड्राइवर ने जब लाल कपड़ा देखा तो, अरे ये लाल कपड़ा कौन दिखा रहा है, क्या आगे कोई खतरा है? ड्राइवर ने लाल कपड़ा तो देखा लेकिन विशालकाय चिड़िया के रूप में परिवर्तित हुई विनीता को नहीं देखा। उसने तुरंत ही ट्रेन में ब्रेक लगाई। अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगाने से यात्रियों को जोर का झटका लगा लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ट्रेन के रुकते ही विशालकाय चिड़िया अपनी बच्चियों के पास गई और सभी को अपने पंखों पर बिठाकर आसमान में उड़ने लगी। जिसने भी ये दृश्य देखा, हे ईश्वर, ये कितनी विशाल चिड़िया है, मैंने तो ऐसी चिड़िया आज तक नहीं देखी, लेकिन ये उन बच्चियों को लेकर कहाँ जा रही है? उधर सारी बच्चियों ने जब अपने आप को आसमान में देखा तो वो भी डर गई। तब विनीता ने उनसे कहा, डरो मत बेटियों, डरो मत, ये मैं हूँ तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद विनीता ने अपनी सारी बच्चियों को एक स्थान पर रखा और उनसे कहा, तुम लोग यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद विनीता अपने ससुराल गई और अपने ससुराल के सभी सदस्यों को उठाकर अपनी पीठ पर लादा। अरे ये कौन सी चिड़िया है और ये हमें कहाँ ले जा रही है, अनुज मारो इसे। लेकिन विनीता जोर जोर से हंसती रही और बोली, अब मार खाने की बारी तुम लोगों की है और मरने की भी। उसके बाद विनीता उन सभी को उठाकर एक रेलवे ट्रैक के पास ले गई। दूर से एक ट्रेन तेज रफ्तार में आ रही थी, जैसे ट्रेन बिल्कुल नजदीक आ गई उसने सभी को रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया। अरे बचाओ, कोई बचाओ। उन सभी को उनके किए की सजा मिल गई। उसके बाद पक्षी बनी विनीता का रूप फिर से एक साधारण चिड़िया में बदल गया और वो अपनी बच्चियों के साथ ही रहने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।